My dear students, कैसे हैं आप सभी बच्चे? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है संसार एक पुस्तक है। क्या नाम है? संसार एक पुस्तक है। चैप्टर नंबर 12, संसार एक पुस्तक है, यानी कि जो संसार है उसको एक पुस्तक माना है। इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे यार, ये तो आता ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू, हाँ बच्चे। तो देखिए बेटे, ये जो हमारे पास चैप्टर का नाम है कि संसार एक पुस्तक है, इसके अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जानते ही होंगे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसको प्यार से सभी बच्चे क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। चाचा नेहरू कहते हैं ना, तो ये वही वाले नेहरू हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया बच्चे? इसमें उन्होंने ये बताया है, ये एक पत्र, इसमें जो इंदिरा है ना, वो 10 वर्ष की थी। इंदिरा यानी कि उनकी बेटी, जब 10 वर्ष की थी तब उन्होंने यह पत्र उन्हें लिखा था, जब वो मसूरी में रहती थी। और ये कहाँ पर रहते थे? इलाहाबाद में रहते थे। कहाँ रहते थे? इलाहाबाद में। तो जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यह पत्र अपनी बेटी इंदिरा को जब वह 10 वर्ष की थी तब लिखा था। कहाँ से लिखा था? इलाहाबाद से। पत्र लिखा कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से उन्होंने पत्र लिखा था। किसे लिखा था? इंदिरा को लिखा था, उनकी बेटी को। ठीक है बच्चा। अब कहते हैं कि संसार एक पुस्तक है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि संसार एक पुस्तक है? इसमें लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि जो लेखक हैं वह इंदिरा को छोटे बड़े देशों की घटनाओं से उन्हें परिचित कराते थे। वो आमने सामने नहीं होती थी, परंतु क्या करते थे? वो आमने सामने नहीं होते थे, इसीलिए जो लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो उन्हें पत्रों के माध्यम से इस दुनिया से रूबरू कराते थे, इस दुनिया की जानकारी देते थे कि दुनिया में किस प्रकार से कैसे कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुस्तकों संसार को एक पुस्तक का नाम इसलिए दिया है क्योंकि मनुष्य पुस्तक पढ़ता है, उसे वहीं से ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से जानकारी प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुस्तक में अनेक चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो पुस्तकों से ही हमें संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो संसार है वो एक पुस्तक के समान है, कि जिस प्रकार पुस्तक में अलग अलग प्रकार से सभी के, छोटे बड़े देशों के, राज्यों के, महानगरों के, सभी के बारे में जानकारी होती है, उसी प्रकार संसार की जो जानकारी हमें पुस्तकों से ही मिलती है। तो बच्चे, मैंने भी आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से पत्र लिखा है और इंदिरा को लिखा, वो उसमें छोटे बड़े देशों की घटनाओं के बारे में बताते थे, छोटे बड़े देशों की घटनाओं के बारे में बताते थे। कहते थे कि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है, फिर भी वह बहुत विस्तृत फैला हुआ है, और हमारा जो भारत है वह
बहुत विशाल देश है लेकिन फिर भी भारत के कोने में नज़र आता है, फिर भी जो नक्शे में है जो एक छोटे से कोने में नज़र आ रहा है। इस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से बातें बताते हैं। और वो कहते हैं, नेहरू जी बताते हैं कि जो ये ज्ञान है ना, इस ज्ञान को हमें जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या घटना घटित होती है क्या नहीं, इससे हमें परिचित रहना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ और फिर देश की इस दुनिया के बारे में देखो कि दुनिया कैसे है बनी, किस प्रकार से मनुष्य ने, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ और किस प्रकार से ये दुनिया बनी है, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। तो कहते कि चलो ठीक है कि पहले, अब तो हमारे पास पुस्तकें, हम सबकी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब पुस्तकें नहीं थी व्यक्ति के पास पुराने समय के अंदर, तब वो क्या दुनिया के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती थी? अगर प्राप्त होती थी तो वो कहाँ से होती थी? तो कहते हैं कि हाँ, कहते कि पुराने समय के अंदर जो हमारी पृथ्वी है वह बहुत ही गर्म थी। क्या थी? बहुत गर्म थी। और पृथ्वी के गर्म होने के कारण वहाँ पर कोई भी जानदार वस्तु, जानदार चीज उस पर नहीं रुक पाती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 उस पृथ्वी पर जानवर पैदा हुए, जानवर रहने लगे, धीरे धीरे जानवर रहने लगे। और क्या हुआ, फिर धरती का तापमान भी बदलता रहा। जानवरों के रहने के बाद कुछ वर्षों के पश्चात मनुष्य भी रहने लगे। मनुष्य रहने लगे तो क्या हो गया, एक दुनिया का निर्माण हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस प्रकार फिर हमारी पृथ्वी पर जो है हम जैसे व्यक्ति रहने लगे और जो हमारी दुनिया है इसका निर्माण हुआ। फिर बात हमारी सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब पुराने समय में पुस्तकें नहीं थी तब क्या होता था? पुराने समय में पुस्तकें नहीं थी तो कहते हैं कि दुनिया का जो हाल है ना, वो पहाड़ों से, जंगलों से, सितारों से, नदियों से या अन्य चीज़ों से, जानवरों की पुरानी हड्डियों से भी हम दुनिया का जो पुराना हाल है उसे जान सकते थे। उससे हम ये निर्माण अनुमान लगा लेते थे कि हाँ, जो ये चीज़ है ये इतने वर्ष पुरानी है, ये चीज़ है जो यहाँ पर, ये चीज़ ये यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर ये घटित हुआ होगा ज़रूर। यानी कि वो अनुमान के आधार पर पहले क्या करते थे, दुनिया का जो है हाल जानते थे। ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, आगे एक मैं आपको बुक की हेल्प से बताना चाहूँगी कि कहते हैं इसमें नेहरू जी ने क्या कहने की चेष्टा की है। नेहरू जी ने कहा है कि पत्थरों तथा पहाड़ों को पढ़कर थोड़े दिनों में तुम भी उसका हाल जानना सीख लोगे। यानी कि जब, अगर तुम बड़ी हो जाओगी ना, लेखिका भी 10 वर्ष की है, उनके जो बेटे वह भी 10 वर्ष की है इंदिरा, तो कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम पहाड़ों को भी देखकर तुम भी उनके बारे में अनुमान लगाना सीख जाओगी। कितने मजे की बात है ना ये। कहते हैं कि सड़क पर अथवा पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ है। तुम उससे कोई नई बात ज्ञात कर सकते हो, शर्त केवल यही है तुम उसे पढ़ना सीखो। यानी कि ये कहा है कि जो एक पत्थर है ना, उससे भी तुम्हें एक नई सीख मिल सकती है, परंतु तुम्हें उसे समझने की आवश्यकता है। अब ये कहते हैं
अब सबसे बड़ी बात लेखक ने ये भी कही है कि हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तुम्हें उस चीज़ को सीखना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने से पहले सर्वप्रथम सबसे पहले हमें उस भाषा के अक्षर सीखने चाहिए। क्या सीखने चाहिए? किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें, या किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हमें उस भाषा के बारे में पता होगा तभी हम उस चीज़ के बारे में कुछ सीख पाएंगे। तो ऐसे अब क्या कहते हैं कि और हमें उसी प्रकृति के अक्षर भी पढ़ने पड़ेंगे। मतलब कहने का क्या, उस भाषा को जानना ज़रूरी है और उसी के अक्षर पढ़ने भी ज़रूरी हैं, ये बात मैं बता चुकी हूँ। कहते हैं कि तभी पत्थरों तथा चट्टानों की भी कहानी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप प्रकृति के अक्षरों को पढ़ लेंगे, प्रकृति के अक्षर क्या हैं? पहाड़, यही है प्रकृति के अक्षर। किन्हें कहा गया है? प्रकृति के अंदर मौजूद सभी प्राकृतिक वस्तुओं को, पहाड़, नदी, पानी, झरने, कुएं, तालाब, पेड़ पौधे, इन सभी को, पशु पक्षी, इन सभी को क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर कहा है। और कहते कि अगर तुमने प्रकृति के अक्षरों को पढ़ लिया तो तुम चट्टानों के बारे में, पहाड़ों के बारे में या प्रकृति की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उसे समझ सकते हो। नेहरू जी लिखते हैं कि कोई एक छोटा सा गोल रोड़ा तुम्हें कुछ नहीं बताता। अब देखिए क्या आप कहते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक बात है, क्वेश्चन में भी आते हैं, जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई सभी क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेंगी, वेरी शॉर्ट हो चाहे फिर एक्सरसाइज के टेक्स्ट क्वेश्चन हो हमारे पास। अब ये कहते हैं बच्चे कि जो एक गोल रोड़ा गोल होता है ना, वो कैसे गोल होता है, वो अपनी कहानी नहीं बताता। उसकी कहानी के बारे में जानने के लिए भी हमें उसके बारे में कुछ सीखना पड़ेगा कि जो ये रोड़ा है ना, ये गोल कैसे बना। अब गोल चमकीला रोड़ा भी अपनी क्या बताता है, कहानी की ये बताता है कि कभी ना कभी उस गोल चमकीले रोड़े के भी क्या थे, किनारे थे, मीन्स वो नुकीला था। वह भूमि में, पानी की सतह में, पहाड़ की सतह के, जमीन के, यानी कि पहाड़ की जमीन के नीचे जो है वो दबा पड़ा था। फिर क्या हुआ, वह पानी के तेज बहाव के अंदर आकर वह नदी नालों में पड़ा रहा। लुढ़कता लुढ़कता पानी के बहाव फिर बढ़ा, पानी के बहाव में वह लुढ़क कर फिर वह आगे किसी घाटी में चला गया। घाटी में चला जाने के कारण वह किसी नदी या तालाब में चला जाता है, और नदी या तालाब में जाने के कारण वह उसके दामन के लिए पानी की सतह में पड़ा रहा। पानी पड़ता रहा, वह लुढ़कता रहा, फिरता रहा इधर उधर, दाएं बाएं लुढ़कते फिरते इस प्रकार से वह क्या हो गया, रोड़ा घिस घिस कर गोल और चमकीला बन गया। फिर कहा, यदि घाटी का पानी उसे और आगे ले जाता तो वह बालू रेत का कण बन जाता। यानी कि जब वो बड़ा रोड़ा था, उसके किनारे थे, वो पानी के बहाव में आकर कभी कहीं लुढ़क लुढ़क कर अपनी जगह से एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह इस प्रकार जाता है। तो क्या हुआ, वो रोड़ा जो है, वो उसके किनारे जो है घिस घिस कर क्या हो गए, गोल हो गए, और वो रोड़ा जो है गोल और चमकीला हो गया, चिकना हो गया। तो कहते अगर पानी उसे और भी आगे ले जाता ना, तो फिर वो हमें रोड़ा नहीं मिलता, वह टूट जाता और टूट कर बालू के रेत के कण में वह परिवर्तित हो जाता। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि दरिया में पहुँच गए, सारी वही बातें चल रही हैं। अब कहते हैं कि अगर वो बालू रेत का कण बन जाता तो क्या होता, बालू रेत का कण बनता तो वह भी समुद्र के किनारे पर पड़ा रहता, उसका वही अस्तित्व हो जाता। तो अब कहते हैं कि जिस प्रकार फिर बालू के रेत में पड़ा रहता तो फिर सभी उससे अपना घरौंदा बनाते। जिस प्रकार आपने देखा है कि रेत पड़ी होती है तो आप लोग घरौंदे यानी कि छोटे छोटे घर बनाते हैं, उसके अंदर पैर डाल के, जहाँ पर हमने भी अपने बचपन में बहुत खेल खेले हैं इस प्रकार से कि मिट्टी के अंदर हमने पैर डाला और उसको इस प्रकार से ढांकते गए और छोटे छोटे घरौंदे यानी कि छोटे छोटे घर बनाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने खेलने के लिए वहाँ पर घरौंदे बनाते। अब कहते हैं कि जैसे तुम्हें
इस छोटे से रोड़े के बारे में इतनी बातें पता चली, तो अगर तुम्हें यानी कि किसी चीज़ के बारे में यानी कि तुम संसार के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करोगे तो न जाने तुम्हें कितनी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसीलिए कवि ने, लेखक ने यहाँ पर कहा है कि जो संसार है वह एक पुस्तक के समान है, कि जिस प्रकार पुस्तकों में हमें हर प्रकार का ज्ञान मिलता है, ठीक उसी प्रकार हम अपनी दुनिया का हाल भी जो है पुस्तकों से जान सकते हैं, अपने संसार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था बच्चे इतना ही। तो सभी बच्चे चैप्टर को डीपली रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। फिर कलम इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप सभी पहले तो चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 करने के बाद कल से शायद हम बालराम कथा शुरू करेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।